वीडियो देखकर लाइक करो, शेयर करो और अपनी राय जरूर दें। इस चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारतीय कप्तान कोहली सिफर पर आउट होने के साथ साथ पाकिस्तान के बल्लेबाज शुएब मलिक से आलमी रिकॉर्ड भी ले उड़े। 52वें टी20 बैन उल अकवामी मैच की 48वीं इनिंग में उनका पहला सिफर था। विराट कोहली ने पहली 47 इनिंग में कोई सिफर हासिल नहीं किया और टी20 बैन उल अकवामी क्रिकेट में सिफर के बगैर सबसे ज्यादा इनिंग्स खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे कबल सबसे ज्यादा इनिंग्स के बाद पहला सिफर हासिल करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शुएब मलिक के पास था, जो 41वीं इनिंग में पहली मरतबा सिफर का शिकार हुए थे। दाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले शुएब मलिक ने अपना पहला 20-20 बैन उल अकवामी मैच इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में 28 अगस्त 2006 को खेला था। इस मैच में उन्होंने 6 रन बनाए थे, जिसके बाद कोई बॉलर उन्हें 39 इनिंग्स में सिफर पर आउट नहीं कर सका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में 10 सितंबर 2012 को तेज बॉलर पेट कमिंस ने उन्हें पहली मरतबा सिफर पर आउट किया। शुएब मलिक ने अभी तक जो 89 20-20 बैन उल अकवामी मैच खेले हैं, उनकी 83 इनिंग्स में सिर्फ एक मरतबा अपना खाता नहीं खोला।